वर्ल्ड कप 2022 के लिए घोषित हुई टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम टीम में शामिल हुए ये चार कुंकार शेर तो रविंद्र जडेजा हुए टीम इंडिया से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की तरफ से कौन से 15 खिलाड़ी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम आपको भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप की टीम तो बताएंगे ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 मुकाबलों के लिए भी टीम इंडिया के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कप्तान है, जबकि KL राहुल उप कप्तान है। इसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह दी गई है। जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम की हम बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा और KL राहुल टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन हैं, जबकि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। यानी कि दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें हार्दिक पांड्या खेलता हुआ नजर नहीं आएंगे। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के लिए उसके बारे में। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के लिए यहाँ पर बल्लेबाजों की हम बात करें तो टीम में जगह मिली है रोहित शर्मा, KL राहुल जो कि टीम के कप्तान और उप कप्तान हैं। इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, चार बेहतरीन बल्लेबाज टीम इंडिया के पास मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया के पास दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत मौजूद रहेंगे। वहीं पर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडरों की हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय टीम के पास तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं, जिनमें दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं। जबकि दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी मौजूद हैं, वो हैं हार्दिक पांड्या। इसके अलावा स्पेशलिस्ट बॉलर फास्ट बॉलर की बात करें तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। जबकि स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका मिला, वो हैं यजवेंद्र चहल, लेकिन अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा और रविचंद्रन अश्विन इनका साथ दे सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया के 15 खिलाड़ियों के अलावा यहाँ पर स्टैंड बाई की हम बात करें तो स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद शमी को अभी भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, वो स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद जरूर है। अगर किसी तेज गेंदबाज को चोट लगती है तो फिर वो टीम इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो यहां पर तेज गेंदबाजों को काफी शानदार परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन रविंद्र जडेजा की चोट कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उनका बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है, जो कि एशिया कप में भी हमें देखने को मिला था और अब वो T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है, स्क्वाड के साथ टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में 15 साल का सूखा खत्म कर पाएगी या फिर नहीं? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।